नमस्कार विद्यार्थियों, मैं और दीपक सर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं एस विवेकानंद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारा एग्ज़ाम की जो डेट है जूनियर अकाउंटेंट की, वो बहुत ही नज़दीक आ गई है और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो लोग सेफ जोन में हैं उनको तो बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए और जो अनसेफ है उसको भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि तैयारी कभी बेकार नहीं जाती है। दोस्तों, चूंकि इस बार विद्यार्थियों की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डिमांड थी कि वो रेगुलर क्लासरूम में आकर के तैयारी नहीं कर पाए, तो उनको कोई ना कोई बेस चाहिए था तैयारी के लिए। तो आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए दीपक सर की किताब है, वो भी बहुत ही शानदार किताब है, वो मार्केट में आ चुकी है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कंटेंट हैं वो इस किताब में दिया गया है। और मेरी किताब है, ये भी जूनियर अकाउंटेंट के लिए हैं, ये आ चुकी है, मेरा 10वां संस्करण है, दीपक सर का भी तीसरा चौथा संस्करण है, ये बाज़ार में मिल रही है। तो इसके लिए इसको कैसे आप ले सकते हैं, ऑफलाइन का तो आपको पता है, ऑफलाइन मोड पे आप लेना चाहें तो संस्थान में आ सकते हैं, बाज़ार में ये किताबें मिल रही हैं। पर अगर आप दूर दराज सेक्टर के हैं या आपकी अप्रोच तक ये किताबें नहीं पहुँच पाई हैं, तो इन किताबों को आप कैसे घर बैठे मंगवा सकते हैं, क्योंकि एस विवेकानंद संस्थान बहुत ही जाना माना संस्थान है, आपको पता है, कॉमर्स के लिए, चाहे वो कॉमर्स व्याख्याता हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे संगणक हो, चाहे एएसओ हो। तो संगणक के लिए भी मेरी किताब है, वो आ चुकी है, वो तो मिल ही रही है, और जूनियर अकाउंटेंट के लिए दोनों किताबें शानदार हैं। जो एस विवेकानंद संस्थान हैं इनके प्लेटफॉर्म से ये जारी की गई है, बहुत ही दमदार हैं। ये कैसे आपको घर बैठे मिल सकती हैं, इसकी जानकारी आपको दीपक सर देंगे। थैंक यू। हाँ, तो बच्चों नमस्कार। जैसा कि राजावत सर ने बताया कि जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि सर हम काफ़ी दूर है, कोई भरतपुर है, कोई सीकर है, कोई अलवर है, हम कैसे इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स इसका जो तरीका है वो ये है कि आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसमें आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं, तो घर बैठे ऑनलाइन आपको बुक उपलब्ध हो जाएगी। मैं वापस बोल रहा हूँ, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको इसका लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके ऑर्डर भेज करके घर बैठे ये किताब प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप जयपुर में पर्टिकुलर यहाँ पर टोंक फाटक आने में असमर्थ है, तो जो लोग जयपुर के हैं और टोंक फाटक के आसपास ही है, वो यहाँ से या एस विवेकानंद कॉम्पिटिशन सेंटर से भी ये बुक ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, समय काफ़ी कम है और जैसा कि सर ने बताया, दोनों ही किताबों में इजी आसान लैंग्वेज का इस्तेमाल कर नए संशोधन के साथ किताबें प्रस्तुत की गई है। तो जो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को घर बैठे मजबूत करना चाहते हैं वो इन किताबों को ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो किताब तैयार की है उसकी लैंग्वेज इतनी आसान है, आप मेरा रिकॉर्डेड क्लास भी इसके साथ में मैच करते हुए देख सकते हैं। आपको अलग से अब कॉपी में राइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स की एक क्वेरी होती थी कि सर पहले आप बोर्ड पे पढ़ाते हो फिर लिखते हैं, अब तो टाइम इतना कम रह गया तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, यदि आप बोर्ड पर देख देख के खुद नोट्स बनाते हो। लेकिन चूंकि अब समय बहुत कम है, 2.25 महीने बचे हैं, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो पर्टिकुलर आप मेरा कोर्स लेते हैं तो कोर्स में मैं जो बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ उससे आपको लिंकअप करने में, लिखने में आपके समय की बचत हो जाएगी। तो आप चाहें तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एस विवेकानंद के सेंटर पर। यदि आप पूरा कोर्स ना लेकर के केवल और केवल अकाउंट सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है, केवल अकाउंटिंग का, केवल ऑडिटिंग का और बाकी के अन्य सब्जेक्ट का भी सिंगल सिंगल कोर्स ऑनलाइन रिकॉर्डेड उपलब्ध है। एक और क्वेरी जो बच्चों की आ रही थी कि सर ये जो पुस्तक है ये थ्योरी की है या क्वेश्चन की है, किसकी है, तो स्टूडेंट ये थ्योरी और एमसीक्यू दोनों की है। थ्योरी केवल केवल हिंदी मीडियम में है और एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, चैप्टर वाइज थ्योरी है, थ्योरी केवल हिंदी में है, हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन है वो हिंदी विथ इंग्लिश दोनों में है। तो ये आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई। कई बच्चे ये कहते हैं कि सर वो पता ही नहीं पड़ता ऑर्डर हो गया है या नहीं, तो स्टूडेंट ऊपर लिखा हुआ आ जाता है ऑर्डर हैज बीन कन्फर्म वगैरह सब कुछ लिखा आ जाता है, इतना टेक्निकल फ्रेंडली तो आपको होना ही पड़ेगा।
तो आप अपनी तैयारी को मजबूत रखें, धार दें, और फिर भी कोई क्वेरी होती है आपकी, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो एस विवेकानंद कॉम्पिटिशन सेंटर के नंबर या इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप सो आप अपने रिव्यू, किताब के रिव्यू मेरे को जरूर जरूर भेजें, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी हैं भेजें, ताकि हम आगे खुद में और संशोधन कर सक करके और छात्रों के हित के लिए और अच्छे काम कर सके। थैंक यू वेरी मच।